वेलकम है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम आ चुके हैं लिलीविल शहर के अंदर, और भाई आज हम बनाने वाले अपना सीक्रेट बेस, जो भाई किसी को नहीं पता हमारा सीक्रेट बेस जो हम बनाने वाले हैं। भाई सीक्रेट बेस में तुम पूछोगे क्यों बना रहा हूँ, भाई मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लिलीविल शहर के इस टाइम हाल थोड़े खराब चल रहे हैं, तो भाई कभी भी सीक्रेट बेस की जरूरत पड़ सकती है। तो वीडियो में जाने से पहले भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, और भाई इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से 10K फॉलोअर्स पूरे भाई अपने पूरे करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, और आ जाओ सीधा वीडियो के अंदर आ जाओ। वेलकम है आपका लिलीविल शहर के अंदर। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं अपने सीक्रेट बंकर। तो भाई सीक्रेट बंकर बनाने के लिए फटाफट सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, और भाई तुम्हें पता है कितने पंगे चल रहे हैं लिलीविल के अंदर, तो भाई अपने आपको सेफ गार्ड करने के लिए भाई बंकर तो बनाना पड़ेगा ना भाई। तो आज हम वही बनाने वाले अपने घर के नीचे। तो भाई सबसे पहले काम करते हैं, अपना सामान इकट्ठा करना चालू करते हैं, आ जाओ। ओके भाई सीधा हम यहाँ पे आए भाई अपने कम्युनिटी हॉल में प्यारे प्यारे। तो भाई मैं सारा काम पूरा कर देता अपने एज अ ज्योग्राफिक मिनिस्टर, वहां की पूरी लैंड खींच दी गई है, ठीक है। और भाई ये देखो यार, ये देव ने क्या किया भाई, इस शहर में हुआ क्या। सबसे पहले काम करते अपने घर के अंदर चलते हैं और डिसाइड करते हैं जगह जहां पे हमको अपना सीक्रेट बेस बनाना। मैं सोच रहा हूँ इसके ना नीचे यहाँ पे अपना गेट लगाएंगे, इसके नीचे अपना बेस बनाते हैं। और इस लकड़ी को मैं यहाँ पे शांति से लगा के फिलहाल मैं पिकेक्स पड़ी है करनी, वो भी लेके आनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो भाई फटाफट से इसके नीचे ना इसको काम चालू करते हैं, इसकी खुदाई चालू करते हैं, और मैं तुमसे मिलता हूँ भाई एक मिनट में, इसको पूरा खोद खाद। भाई सबसे पहले चलते हैं अपने लिए थोड़ा खाना बना लें, क्योंकि भाई हमारे मिनिस्टर किसी काम का नहीं है भाई, फूड मिनिस्टर भाई जेल में पड़ा हुआ अभी तक किसी काम का नहीं है वो। एक सेकेंड, कहाँ पे ब्रेड का है, ब्रेड इसमें है क्या, किसी में नहीं है। शुगर केन रखी है, वो भी मैंने रखी हुई है भाई, शुगर केन भी। फटाफट से चलते हैं अपने लिए ब्रेड लेते हैं। भाई बांध देखो कितना प्यारा बनाया है भाई, मैंने बनवाया भाई देव से बांध, ठीक है। इसमें पड़ी है क्या ब्रेड, होनी तो चाहिए, नहीं इसमें नहीं है। ओ आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आ जा आ जा। ये फार्म में कोई दिक्कत है भाई, बीच बीच में से ना कुछ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस फार्म की। रुको यहाँ से चलते हैं, ये रही ब्रेड, इसमें आ रही है अभी, इसमें टाइम लगेगा, इसको ले लेते हैं। बत्ती क्या कर रही है इसके अंदर, तो इससे काम चलाते हैं भाई फटाफट से, एक बार जानवर देख लेते हैं भाई। अरे भाई जानवर तो बढ़िया हो रहे, इनकी बातचीत करवाऊँ क्या, भाई इधर आ खा ले बाबू, हाँ बढ़िया, अब अपने जैसे हजार करो यार। फूड की दिक्कत हो जाएगी, देव यहाँ पे मरा पड़ा है, कोई बात नहीं यार, फूड की दिक्कत हो जाएगी हम पे यार, ये तो है नहीं ज़्यादा, क्या करूँ मैं इसका, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज एक काम करते हैं, मैं ना फटाफट से फूड अपना जमा कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें मिलता हूँ, ठीक है। बस फटाफट से फूड बना लेते हैं अपने लिए भाई, 57 फूड आ चुका है। तो भाई एक काम करते हैं, 57 फूड तुम्हारे पास आ गया, तो भाई फटाफट से अपने काम चालू करते हैं, पूरी खुदाई कर देते हैं अपने घर के नीचे। अपने लिए टूल्स वगैरह मैं ले आता हूँ फटाफट से जाके। एक सेकेंड, यहाँ पे तो आयरन बहुत सारा पड़ा है ना, ए पेरीज आयरन अभी तो बहुत सारा पड़ा था यहाँ पे, तो ये रहा ना 3, बाकी स्मेल्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, स्मेल्टिंग चालू करते हैं। 15 नहीं था, ये रहा ना बाकी, स्मेल्टिंग को करते हैं चालू भाई, फटाफट से स्मेल्ट हो जाए, मैं तुम्हें एक सेकंड में मिलता हूँ जस्ट, ठीक है एक सेकंड बस। तो गाइस फटाफट से आयरन स्मेल्ट हो रहा है, इसके अंदर माल पटाखा पड़ा हुआ है, इसको ना जेब में डाल देते हैं फटाफट से, हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये देखो कितना हो गया हमारे पास, ये है, और इस चेस्ट में भी थोड़ा माल पटाखा था, ये रहा ना, स्मूथ स्टोन भी है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा सीक्रेट बेस बनाऊंगा ना भाई, मजा आ जाएगा, सारे ना ऐसे हक्के बक्के रह जाएंगे भाई, मेरे सीक्रेट बेस किसी को दिखाना तो है ही नहीं भाई, तुम लोग देख के हक्के बक्के रह जाओगे भाई, क्योंकि हमारे बहुत काम आने वाला सीक्रेट बेस। जैसे लिलीविल के हाल चल रहे भाई, मेरे को लगता नहीं बिना सीक्रेट बेस के गुजारा है। तो भाई फटाफट से एक बंकर बना लिया जाए, एक काम करते हैं, तो दो ये, और क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट से इसको ये कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्विक बनानी पड़ेगी, एक शवल चाहिए, दो पिकैक्स चाहिए, नहीं दो शवल और दो पिकैक्स चाहिए। तो इसको लेते हैं यहाँ, इसको लेते हैं यहाँ, एक हमारे पास आ गई है शवल, इसको लेते हैं यहाँ, और इसको लेते हैं, ये क्या कर रहा था मैं, कुछ तो कर रहा था, एक पिकैक्स ये आ गई, इसको
अरे अबे यार दो बना लेता मैं, क्या बॉट हूँ भाई मैं, बॉट। ठीक है तुझे पूरे हो गए, कोई अमीर आदमी मेरे जैसा यूज कर लेगा इसको। भाई फटाफट से चलते, कोई देखो इस टाइम हो रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं भाई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई कोई आना तो नहीं चाहिए सर्वर के अंदर। गेट भी भीड़ ही लेते भाई ताकि कोई देख भी ना ले गलती से। इसको तोड़ना चालू करते हैं। कहाँ है मेरी सबल, कहाँ है यार हमारा सबल। देखो अगर कोई आता सर्वर में तो मैं तुम्हें तो बताता हूँ, ठीक है। कोई आना तो देखो नहीं चाहिए अभी क्योंकि रात के 3 बज रहे, कौन आता है यार। यार मैं सारा कोल उधर छोड़ के आ गया, मैं कैसे बनाऊँ टॉर्च भी। लेकिन रुको कुछ करता हूँ, पहले टॉर्च ही लेके आनी पड़ेगी यार मेरे को। पता बस एक ही डर लग रहा है, कोई इतने में ना आ ना जाए यार यहाँ पे सर्वर के अंदर ना, क्योंकि भाई कुछ भरोसा नहीं है भाई किसी का भी अभी फिलहाल के लिए। कोई भी ना पंगे डालने यार, यहीं से ना थोड़ी देर के लिए लैंटर्न ही तोड़ लेता हूँ, मेरा ही घर है मेरे को कौन टोकेगा। आजा दोस्त तू मेरी साथी है, इसको फेंको, इसको तोड़ दे भाई फटाफट से। और ऐसा देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को सजेशंस देना सीक्रेट बेस के अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं। फिलहाल फिलहाल के लिए मैं एक आयरन आर्मर लगाने वाला हूँ, आयरन के सारे वेपन्स लगाने वाला हूँ, और एक दो चीजें और है जो सीक्रेट है वो मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा, वो एक चेस्ट में रखूंगा मैं, वो जरूरत के टाइम पे मेरे को काम आएंगी। ठीक है तो भाई ऐसा बेस बनाऊंगा ना कि सीक्रेट बेस बनाना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मैं फटाफट से बना लेता हूँ पूरा एरिया में खोद दूँ, उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें। खुदाई का काम हो चुका पूरा, तो भाई फटाफट से मैं सब कुछ सामान वामान लेके आ गया हूँ, सारा कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो भाई टॉर्चेस लगा लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और भाई ये देखो यहाँ से मेरा सीक्रेट बेस होता है चालू, तो भाई यहाँ से चलते हैं नीचे और यहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दो यार कि मॉब्स वगैरह ना आ जाए, कि भाई वो मेरा सीक्रेट बेस खंगाल रहे हैं। यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यार ये रह गया क्या भाई, यार ये मेरा बटन तब से मेरे साथ ही घूम रहा है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और चौड़ा करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा पहले सही लग रहा था, मेरे को थोड़ा बच्चा बच्चा लगने लग गया। ये देख रहे हो वहां से हम नीचे आएंगे उस एरिया से, और भाई यहाँ पे होगा हमारा वॉर रूम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने सोचा इस दीवार पे लगाऊंगा मैं एक्सेस, इस दीवार पे लगाऊंगा मैं क्या चीज स्वॉर्ड, बढ़िया बढ़िया स्वॉर्ड सारी। इस दीवार यहाँ पे आएंगे हमारे आर्मर, और इसके नीचे एक और कंपार्टमेंट बनेगा जहां पे आएंगे हमारे सीक्रेट वेपन्स, जो सबसे ज्यादा ओपी वेपन्स होंगे जैसे ट्राइडेंट पोशंस, ये सब होंगे हमारे पास जो मेरे बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वो एरिया मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, बट उसके अंदर का सामान तुम्हें दिखाऊंगा क्योंकि मैं कलेक्ट भी करना है। तो भाई जो भी सामान मैं रखूंगा उसके अंदर वो भी तुम्हें आगे जाके ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। तो भाई वो हमारा सीक्रेट रूम रहने वाला है, उसकी एंट्री मैं यहाँ से नहीं दूंगा, उसकी एंट्री मैं अलग जगह से दूंगा जो कि मैं तुम्हें अभी रिवील नहीं करूंगा, वरना तुम जाके बता दोगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले काम करें थोड़ा सा, और इसको मैं और एक्सपेंड करता हूँ और तब तुमसे मिलता हूँ। एक चेस्ट भी बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, जैसा मेरा हाल चल रहा है ना, इतना सारा सामान इकट्ठा हो जा रहा है, अब रखने की जगह नहीं। ये बटन फिर आ गया मेरे पास, काम डाउन चिल, गुस्सा नहीं करते, गुस्से मेरे को गुस्से की मारे थोड़ी ना यार, तो कैसी बातें करते हो मेरे साथ। रुको इसको करते हैं नीचे, इसको आ जाओ ऊपर, कूड़ा भरे जा रहा है भरे जा रहा है भरे जा रहा है। तो एक चेस्ट ये बना लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, तो एक चेस्ट ये बना लेते हैं, ठीक है। तो हो गए मेरे पास 2 चेस्ट, अब सारा सामान इसमें कर देते हैं खाली, सारा गंद निकाल लो। ओहो हो कितनी शांति मिली।
ठीक है, सारा कुछ इसमें कर देते हैं खाली। अब ब्रेड का जा रहा हूँ, ठीक है। तो और ये देखो इतना इसको मैंने खाली कर दिया है, तो भाई ये देख सकते हो। अब मैं क्या सोच रहा था, इसकी वॉल्स पे मैं ये जो अपना ये है ना, अरे कहाँ गया, स्मूथ स्टोन की बनाते हैं इस पूरे चेम्बर को। तो फटाफट से लगाना चालू करते हैं भाई स्मूथ। देखो सीक्रेट बेस इतना बन चुका है, तो भाई देख रहे हो कितनी प्यारी। अबे ये क्या कंपड़े के कॉइन लगाते हैं इसको भी, ठीक है। तो भाई ये देखो इतना मैंने बना दिया, ये पता नहीं कैसे घुस गया इसके अंदर। तो भाई ठीक है इसको करते हैं अभी। ये देखो ये सारा मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आएंगे हमारे सारे बढ़िया बढ़िया आर्मर, इस साइड को आएंगे हमारी स्वॉर्ड्स और इस साइड को मारेंगी एक्स, ठीक है। तो भाई एक नंबर बेस बनाऊंगा इसे मैं। फटाफट से सामान इकट्ठा करना चालू करते हैं, हमको बहुत सारा आयरन चाहिए होगा। तो डाका मारने का टाइम आ चुका है वो उसके अंदर से, चेस्ट के अंदर से। भाई सीधा ऊपर चलते हैं, चलना फंस गया दोस्त। अब भाई फिलहाल तो इसकी एंट्री मैंने ऐसे कर रखी है, इसको ठीक करना एंट्री को भी। भाई हमको चाहिए बहुत सारा आयरन, तो क्या चोरी करी जाए क्या इसमें? भाई साले गरीब के घर में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, कांच उठाऊं, किसी काम आएगा? आएगा। तो भाई ग्लास तो मैंने उठा लिया है, मेरे को चाहिए आयरन बहुत सारा, क्योंकि सारी इतनी सारी स्वॉर्ड्स और इतनी सारी एक्सेस बनानी है। क्या जैक के घर पे हमको आइटम फ्रेम मिल जाएगा? जैक के घर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओह लैक्टन पड़ा हुआ है, अरे है ना एक आइटम फ्रेम तो मिल गया। टक्की मारो, अरे ये रहा ना कॉल्ड्रन भी मिल गया यार। बहुत बढ़िया आदमी है भाई जैक, इसके घर से तो बढ़िया चोरियां मारूंगा मैं। बस हो गया भाई अपना काम कल्टी। तो गाइस एक बार मैं सारा सामान लगा दूं अपने बेस के अंदर, तो भाई तब मैं मिलता तुमसे, ठीक है। मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं मिलता हूं तुमसे। तो गाइस जितना अभी तक मैंने बना लिया तुम देख सकते हो, भाई ये देख रहे हो कैसे तुम्हारे भाई ने पूरी स्टेयर्स लगा दी है स्प्रूस की। तो भाई ये देखो यहाँ से अगर हम नीचे चले, अगर हम थोड़ी देर लगा के नीचे चले, तो यहाँ पे हमको मिलती है फिर से स्प्रूस की पूरी सीलिंग। तो भाई इतना थोड़ा मैं भी सजावट पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा सामान अभी लगाते हैं धीरे धीरे। पहले हमें बड़े सारे जानवर मारने पड़ेंगे लेदर के लिए, जिससे हम आइटम फ्रेम हमारा बन जाए। तो भाई फटाफट से आइटम फ्रेम लगा के तुम्हें सीधा मिलता है, क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। मैं आया 2 मिनट में आया बस। तो गाइस सारे घोड़े घाड़े मैंने सब मार दिए हैं भाई, लेदर ही लेदर हमने इकट्ठा कर लिया है। तो भाई फटाफट चलते हैं अपने वर्ल्ड, तो भाई फटाफट चलते हैं अपने बेस के अंदर। और भाई इससे आइटम फ्रेम, अच्छा तू भी आई, एक और मार दिया, ठीक है। भाई फटाफट चलते हैं अपने बेस के अंदर और भाई इसे आइटम फ्रेम बनाने चालू करते हैं। भाई आ जाओ, भाई हमारी वुड हो चुकी है खत्म। तो भाई फटाफट से काम करते हैं, इसमें से वुड लूटते हैं। ये मैंने पता नहीं वुड कहाँ रख दिया यार, मेरे को मिली नहीं। मैंने सारे चेस्ट खोल लिए, इतने सारे कर लिए सब कुछ। भाई वुड ढूंढी जाए फटाफट से, हमको पता है कहाँ पे मिलेगी, एक ही जगह जहाँ पे मिलेगी। तो इसको भाई बंद कर देता कि जैक भाई को पता ना चले। भाई फटाफट से अंदर चलते हैं और 17 के 17 आइटम फ्रेम बना डालते हैं, क्या बोलती पब्लिक। तो एक हमारे पास पहले से आइटम फ्रेम पड़ा हुआ है, तो भाई ये देख रहे जो जैक के घर से लूटा गया था। तो भाई एक काम करते हैं, इसकी सारी बनाते हैं स्टिक्स, जितनी बनती है उतनी बना लो। अबे यार ज्यादा तो नहीं बन जाएंगी, इससे बहुत ज्यादा बन जाएंगी यार। अबे क्या इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, स्टिक्स लिखो, शिफ्ट दबाओ, ये बना दो। अब लिखो आइटम फ्रेम और सारे बना दो। चलो भाई नीचे आइटम फ्रेम लगाए जाए। तो गाइस आइटम फ्रेम लगाए जा चुके हैं, तुम देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं आइटम फ्रेम। अब इसमें लगाने के लिए हमें चाहिए माल, तो भाई माल इकट्ठा करना चालू करते हैं। हमारे पास ये पड़ी है, क्यों चोरी करी मैंने जैक के घर से, क्या जरूरत थी चोरी करने की। एक लेदर बचा, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। हमारे आइटम फ्रेम बन चुके हैं, तो भाई फटाफट से चलते हैं ऊपर। और भाई आयरन का सामान बनाने की मैं सोच रहा हूँ आयरन का बनाऊँ या स्टोन का बनाऊँ, तुम बताओ मेरे को किसका बनाऊँ, तुम क्या ही बताओगे, अब तो वीडियो पहुँच चुकी है, ठीक है। तो भाई ऊपर चलते हैं और ना इस पूरे को मैं फटाफट से स्टैक कर लेता हूँ। मैं आयरन का नहीं बनाऊंगा, मैं सोच लिया आयरन का, अरे आइडिया, आयरन का नहीं मैं स्टोन का सामान बनाऊंगा, ऊपर से छलावा दिखाऊंगा सबको, जिसने अगर मेरा बाई चांस सीक्रेट बेस पकड़ लिया ना, असली सामान मैं रखूंगा नीचे। अबे स्टोन तो मेरे पास बहुत पड़ा है, अबे स्टोन तो बहुत पड़ा है,
देखो नीचे जाके अभी फटाफट से भर देता हूँ ना इसे, क्या जरूरत है नीचे पंगे लेने की। चलो 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 चलो, ऊपर से भाई ऊपर से छलावा दिखाऊंगा किसी ने पकड़ लिया तो, क्योंकि और नीचे ना जाए, सबको लगे कि हाँ भाई यही थी मेन जगह, भाई यहाँ पे हो गया पंगा। ठीक है इसको फटाफट से काम करते हैं, इसकी और बनाते हैं। भाई मैं क्या करता हूँ, मैं एक्साइटमेंट में ना गुस्सा हो जाता हूँ। एक करते हैं स्वॉर्ड, रुको ना इतनी कौन मेहनत करे, 3-4 स्वॉर्ड ले लेते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 देख रहे हो पैटर्न देखो भाई का। ठीक है उसके बाद अब बना लेते हैं एक्सेस, एक्स अब रुको ना उसके लिए तो वो बनानी पड़ेगी। भाई यो क्यों होने लग रहा, हाँ ठीक है हो गया। अब एक्सेस बना लेते हैं, कितनी बन गई, अबे 10 एक्स बन गई। अब 1, 2, 3, 4 देख रहे हो ये सिर्फ छलावा है भाई, ये सिर्फ छलावा है, सबको लगेगा कि हाँ भाई इसका तो सीक्रेट बेस पकड़ा गया, अब हम क्या करेंगे भाई, ये कुछ नहीं हो सकता हमारा, अलग बात कुछ हो सकता है। रुको रुको रुको, अब इससे बना लेते हैं पिकैक्स। अच्छा ये तो एक्स कितनी बन गई, अबे रुको ना 11 पिकैक्स बन गई है देख रहे हो, अरे पैसे की कमी ना है मेरे पे। रुको एक, चलो बीच में एक आयरन, नहीं आयरन गेट लगा रहा हूँ भाई, आयरन की मेरे पास रहनी जरूरी है। इसको फटाफट से अरेंज कर लेता हूँ ऐसे ऊपर, अब इसमें सारे पिकैक्स लगा दूंगा। और बाकी सामान अपने चेस्ट में लुढ़का दूंगा। तो भाई फिलहाल के लिए तो मेरे को लग रहा है मेरा जैसे सीक्रेट बेस तैयार हो चुका है थोड़ा बहुत, तो भाई इसका भी एक काम और करते हैं। मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ भाई, मैं अभी जस्ट सीक्रेट बेस के लिए मैं नीचे खोद रहा था और भाई देखो ये सीधा कनेक्ट होती है अपनी, ये जो बना रखा है ना हमने, क्या बोलते हैं उसको, कूदने वाला, नाम भूल गया मैं। ठीक है ये सीधा इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है भाई, तुम सोच लो कितना सीक्रेट बेस के अंदर से एस्केप रूट है ये। मान लो किसी ने पकड़ भी लिया, सिर्फ ढपाक से मारो नीचे वाटर बकेट एमएलजी करके और भाई कल्टी गायब, किसी को पता ही नहीं चलेगा गए कहां। तो भाई मेरे पास एक आइडिया है, इसको ना मैं फिलहाल किसी को पता ना चले मैं इसको ना स्टोन से कवर करता हूँ इस एरिया को, इसके अंदर टॉर्चेस लगा के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है मेरे को तो याद रहेगा, किसी को याद रहे ना रहे, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देता हूँ और इस एरिया को कैसे बंद करूँ, इसको फिलहाल ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे बंद करता हूँ, ये हमारा रहेगा इसके लिए। फटाफट से जैसे कोई हमारे पीछे पड़ा कुछ भी हुआ अपने बेस के अंदर घुसे, बंद किया इसको, अगर कोई बाई चांस किसी को पता चल भी गया इसको तोड़ के वापसी लगाए और भाई भाग गए। देख रहे हो समझदारी देख रहे हो भाई की, देख रहे हो फटाफट से वापस इसके अंदर डालते हैं। और भाई मेरे को लग रहा है यहां तक का हमारा काम पूरा हो चुका है, इतना सीक्रेट बेस अभी के लिए बहुत है, बाकी मेरे को ऑफलाइन बैठ के बनाना पड़ेगा, जो भी एक चैम्बर रह गया वो बस मैं बना लूंगा आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं रिवील थोड़ी ना करूंगा, अभी नहीं करूंगा रिवील बाबू, ना 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 ना। चलो भाई इतना सीक्रेट बेस बन चुका है, इसकी एंट्री में भी थोड़ा सा काम करना है मेरे को, वो मैं सब ऑफलाइन बैठ के कर दूंगा, उसकी कोई इतनी दिक्कत है नहीं। तो भाई ये था अपना आज का भाई सीक्रेट बेस, मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप तुम्हें मजा आया होगा, अगर तुम्हें मजा आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, और भाई तुम्हें वीडियो अगर पसंद आई तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, तुम्हारा क्या जा रहा है 10K फॉलोअर्स पूरे करने इंस्टाग्राम पे। ठीक है मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोई पुरानी वीडियो देख लेना भाई की, अगर तुम्हारा मन करे तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, तुम्हारा मन करे तो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय बाय।